बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा खास है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो नुस्खा हम सर्दियों में इस्तेमाल करें तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। इस नुस्खे को आम दिनों यानी गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल और है, लेकिन इस मौसम के लिए ये नुस्खा बेहतरीन है। मैं आपके सामने ये नुस्खा बना रहा हूँ। इसके बहुत से लातदाद फायदे हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दिमाग को ताकत देता है, दिमागी कमजोरी को दूर करता है, हाफिजे को तेज करता है, दिल की कमजोरी को दूर करता है, दिल की कमजोरी की वजह से होने वाली तेज धड़कन को एतदाल पर लाता है, ये जिस्म को मजबूत करता है, जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है, जिस्मानी दर्दों और जोड़ों की दर्दों के लिए भी ये बेहतरीन चीज है। इसको अगर सर्दियों में लगातार खाया जाए तो ये बहुत से फायदे देता है। ये मर्दों और औरतों के लिए यकसा मुफीद है। मर्दाना टाइमिंग मर्दाना कमजोरी को भी बेहतर करता है। जरियान, एहतलाम और सूरत अंजार जैसी तमाम बीमारियों के लिए बेहतरीन तोड़ है। इसको बनाने का तरीका आपके सामने है। सबसे पहले हमें ये तमाम चीजें लेनी है जो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। इनको लेने के बाद यकजा करके पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इनमें खालिश शहद को ऐड करें, जो कि बेरी का खालिश शहद जंगली होना चाहिए, और ये तमाम चीजें भी एक नंबर खालिश होनी चाहिए। और कोशिश ये करें कि ये किसी मुस्तनद हकीम या मुस्तनद पंसारी से लें ताकि आपको अच्छी चीजें मिल सके। इनको पाउडर करने के बाद इन तमाम चीजों में शहद का मिक्सचर कर लें। ये आपका बेहतरीन नुस्खा तैयार हो गया है। अगर आप इसको खुद नहीं बनाना चाहते तो आप हमसे भी खरीद सकते हैं। हमसे खरीदने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर राब्ता करके हमसे ये खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में।